हेलो, थैंक यू डीजे। ये किसी की बाइक की की मिले यहाँ पर, शायद यूनिकॉर्न की है, होंडा। तो यहाँ से आके लेके जाए, बाइक की चाबी है। पुढचे कमेंट करतील अनंत। हॅलो, थँक यू डीजे। तो चलिए फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का, सभी टीमों का और सभी खिलाड़ियों का इस साई श्रद्धा मित्र मंडल ऑर्गेनाइज एसपीएल श्रीवर्धन प्रीमियर लीग 2022 सीजन वन में। जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चेयर्स रखी गई है मंडप में, वो प्लेयर्स के लिए रखी गई है, तो प्लीज वहां पर कोई ना बैठे। जो 11 या 12 प्लेयर है टीम के, एक्स्ट्रा प्लेयर के लिए भी रखी गई है वहां पे, तो वहां पर ना बैठे प्लीज कोई। बार बार ये अच्छा नहीं लगता माइक में बोलना, आपका सपोर्ट चाहिए बस इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए। आप सभी के सपोर्ट से एक टूर्नामेंट सक्सेस होता है, सफल होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे प्लीज। जो भी चेयर से वहां पे प्लेयर्स के लिए रखी गई है, तो चलिए इस दिन का आखिरी मुकाबला, चौथे दिन का और बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। शुरुआत इन दो मुकाबले से हुई थी और लास्ट मैच आखिरी भी दोनों ये दो टीमों के साथ होगी इस दिन की। जो जीतेगा क्वालिफाई कर जाएगा यहाँ से, डू और डाई। अफजल इलेवन महाड़ वर्सेस शम्स झटाम इंटरप्राइजेस, नदीम धायरेकर और सामने हो गए योगेश पेनकर, मिस्टर क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर एक मास्टर माइंड माना जाता है योगेश पेनकर को, मैन फ्रॉम महाड़। तो एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा सभी दर्शकों को। और पहली गेंद पे यहां पर चलता किया है सऊद पटेल बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद पर
अनुज पहली ओवर लेके जिस काम के बुलाया था वहां पर कप्तान ने पूरा करके दिया है। सऊद पटेल को पहले इनकी राह दिखाई है, खुद कप्तान ने वहां पर स्लिप में फील्डर और सीधा टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली और सीधा वहां पर योगेश पेनकर के हाथों में पहला विकेट जीरो के स्कोर पर। शम्स झटाम इंटरप्राइजेस को टॉस जीता, अफजल महार ने सीधा फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब नदीम आए बल्लेबाजी के लिए, वन डाउन के रूप में आए नदीम धायरेकर। और इस बार का लेग भी बोर का अपील, बाहर की तरफ निकलती हुई अपील की थी वहां पर जोरदार। योगेश सर ने भी पूछा वहां पर बंटी सर से, क्या बाहर गया बॉल? यस, बंटी सर ने पहले अपना इशारा बता दिया था वहां पर, आड़े बल्ले से खेलना चाहता है। शॉट को नदीम ने लेग बाइस के रूप में एक रन मिलेगा। इस बार अच्छी गेंद, तेज तर्रार रफ्तार के साथ निकलते हुए सलाहुद्दीन को कुछ आता पता नहीं इस गेंद का। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। अभी तक तीन गेंदे कर चुके, एक रन दिया है सिर्फ लेग बाइस के रूप में, बैट से कोई रन नहीं आया अभी तक। इस बार फिर से एक बार ब्रॉकवेल में गेंद थी, रन आउट का क्या चांस बनेगा, लेकिन नहीं, मुश्तबा थे वहां पर फील्डर। आखिरी दो गेंदे आना शेष, नदीम ऑन स्ट्राइक, अनुज अगली गेंद लेकर राइट एम ओवर द विकेट, इस बार कट कर दिया वहां पर सिली पॉइंट की दिशा में, एक ही रन मिलेगा। थोड़े से धीमे खेलते हुए यहां पर नजर आए क्योंकि पहला विकेट गिरा है। नदीम को पता अगर यहां से मेरा विकेट जाता है तो फिर मुश्किल में आ जाएगी टीम। सऊद पटेल बिना कोई रन माने बैक टू द पवेलियन लौट चुके हैं। अब यहां से अगर विकेट गिरता है नदीम का तो फिर मुश्किल में आ जाएगी शम्स झटाम इंटरप्राइजेस। इस बार लो फुलटॉसन की गेंद थी, हिट करना चाहता, थोड़े से निराश रहे आखिरी गेंद पर। फाइन लेग की दिशा में वहां पर डी जोन में गई गेंद, एक ही रन मिलेगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर अब स्कोर है 4 रन। इस दिन का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है अफजल 11 महाड़ वर्सेस शम्स झटाम इंटरप्राइजेस। दूसरी ओर लेके ओमकार, ओमकार दातार, मैन फ्रॉम श्रीवर्धन, राइट एम ओवर द विकेट पहली मरतबा। अच्छी गेंद, सलाउद्दीन को कुछ आता पता ही नहीं है इस गेंद का, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई, पहली गेंद में एक विकेट जरूर मिला, एक बड़ी मछली जाल में फंसाई वहां पर पहली गेंद पर अनुज ने। अब उसके बाद ओमकार, पहली गेंद डॉट बॉल, अगली गेंद लेकर आइटम ओवर द विकेट। सलाउद्दीन सामने नॉन स्ट्राइक पे, नदीम है, इस बार थोड़ी सी अपनी दिशा से भटकते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। अंपायर बंटी सर का इशारा आता है यहां पर वाइड बॉल का, वाइड बॉल से एक रन की मदद वहां पर एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। और इस बार उठा के खेला मिड विकेट पर फील्डर और कोई गलती नहीं करेगा। इसी के साथ में सलाहुद्दीन बैक टू द पवेलियन।
आउट होने के बाद में यहाँ पर सिद्धेश, सिद्धेश लांगी मैन फ्रॉम हरिहरेश्वर। इस बार अच्छी गेंद थी, एक रन क्या दूसरे रन के लिए और इसके साथ में रन आउट, कोई जरूरत नहीं थी यहां पर दूसरा रन लेने की, सिद्धेश को पलट गए थे और अपना विकेट गंवाने के बाद वहां पर निराश लौट रहे वहां पर सिद्धेश। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अफजल इलेवन महाड़ की जानिब से देखने मिल रही, तीन विकेट अभी तक हो चुके हैं अपने शम्स छटाम इंटरप्राइजेस, जो एक रनआउट की सूरत में अभी आया यहाँ पर सिद्धेश रनआउट होकर बैक टू द पवेलियन। नदीम गए बल्लेबाजी के लिए और पहली गेंद पे यहाँ पर लगा दिया है सिक्सर, इस ओवर की पहली गेंद नदीम ने खेली थी और पहली गेंद पर सिक्सर लगा दिया छह रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर।
22 के रूप में एक रन मिलेगा वहां पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी वहां पर, लेकिन स्टंप से बाहर थी, लेकिन सीधी निकल गई, वाइड लाइन से अंदर थी, इसलिए अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। डॉट एक रन मिलेगा 22 के रूप में। इस बार भी अच्छी गेंद, नदीम का प्लान कुछ अलग ही लग रहा है, हर गेंद को जो कि लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉर्ट खेलने देख रहे, पता नहीं माइंड में क्या चल रहा है। और इस बार गेंद फिर से एक बार जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के। हेलो,
इस बार अच्छी गेंद थी तेज रफ्तार के साथ। डॉट बॉल थोड़ी सी निराशा झलक अभी तक बल्लेबाजी रही है शमशटा एंटरप्राइजेस की। स्कोर अभी तक 28 रन 4 विकेट खो दिए अभी तक अपने। चौथा ओवर चल रहा है अभी। आखिरी दो गेंद आना शेष, टू टू गो। इस बार फवाद ने उठाया गेंद हवा में, ओमकार है वहां पर फील्डर, इसी के साथ में आउट। साथ में बल्लेबाजी जरूर हुई, 28 रन अभी तक हो चुके हैं, 5 विकेट अपने खो दिए शमशटा एंटरप्राइजेस ने। आखिरी दो ओवर आना शेष। अगली ओवर लेके पांचवी ओवर लेके सामने नदीम धारेकर, राइट हम ओवर द विकेट और फटका फंसा है, देखना है क्या राहुल है नीचे, और इसी के साथ में कोई गलती नहीं की यहां पर नदीम धारेकर बैक टू द पवेलियन।
हेलो, इसी तरीके से सातवा विकेट खोते हुए अपना यहाँ पर शम्स झटा मेंटर पाया जैसा अब उमेर के आउट होने के बाद में मुश्ताहिद उर्फ बाबा एक सीनियर खिलाड़ी इलेवन फाइटर मसला के लिए बहुत से मैचेस खेले बाबा ने, लेकिन यहाँ पर काम अंजाम दे रहे अपना शम्स झटा मेंटर पाया जिसके लिए बल्लेबाजी के लिए अब गए खराब गेंद की थोड़ी सी बाहर अंपायर पंटी सर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइट बॉल का आखिरी की मदद से एक रन की बढ़ोतरी अब स्कोर अब जाके थोड़ा सा स्कोरबोर्ड हिला है हेलो 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 29 रन स्कोर वापिस एक बार गेंद हवा में और इसी के साथ में आउट इस बार कट कर दिया वहां पर गली की दिशा में एक रन मिलेगा और दर्शकों में अगर किसी को कैप मिला है ब्लू कलर का हमारे जो यहां पर आर्मी मैन है समीर सर उनका कैप कहीं छूट गया अगर किसी को मिलता है तो यहाँ पर लाके दे दे प्लीज वो सामने लोगो है आर्मी का ब्लू कलर का कैप है कुछ सर ब्लू कलर का है ओके आखिरी गेंद सामने इमरान और कैच ड्रॉप आसान सा कैच ड्रॉप है यहां पर सचिन उर्फ चिन्हा से तो इसी के साथ में पांचवी ओवर की समाप्ति स्कोर है 31 आठ विकेट के नुकसान पर शम्स झटा इंटरप्राइजेस हाँ तो कल का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा कल सुबह 9 बजे का पहला मैच शिवानगी शिवा सॉरी शिवांश 11 वडवली वर्सेस वेदांगी 11 कालिंजे
इससे बीच एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 32। आखिरी ओवर लेके आए योगेश शिपेनकर, खुद कप्तान इस टीम के अफजल इलन महाड़ की तरफ से आखिरी ओवर। किफायत है सामने बल्लेबाज, इस बार लेग कट किया, वहां पर गति नहीं दी थी गेंद को, डी जोन में गई है गेंद, एक ही रन मिलेगा, दो रन अंपायर, ओके दो रन। लोफुटोसन की गेंद थी वहां पर, किफायत ने इस गेंद को खिलाया लॉन्ग ऑन पे, वहां पर मुश्तबा पोलार्ड जब तक ये फील्ड करते थ्रो करते योगेश पेनकर के पास, एक रन पूरा किया। एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा शम्स छठा इंटरप्राइजेस का 35 रन, 35 रन, आखिरी तीन गेंदे आना शेष। इस बार अच्छी गेंद, अंपायर 22, ओके थैंक यू, 22 के रूप में एक रन, बल्ले से रन नहीं आए किसी भी बल्लेबाज के। थर्टी सिक्स रन अभी तक हो चुके, आखिर के दो गेंदे आना शेष है। इस गेंद पे सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर 37, अब 1-2 को, आखिरी गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद और इसी के साथ में इनिंग का खात्मा, डॉट बॉल। तो अब पहले बल्लेबाजी करते हुए शम्स झटाम इंटरप्राइजेस 8 विकेट गंवाने के बाद स्कोर बना पाई है 37 रन। तो अब जीत के लिए यहां से अफजल एलन महाड़ को 38 रन की जरूरत। थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी सऊद पटेल, डीजे थैंक यू डीजे। थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी जरूर रही यहाँ पर, टॉस हारा था नदीम ने लेकिन बल्लेबाजी कुछ उस दर्जे की दिखी नहीं, अच्छे बल्लेबाज जरूर मौजूद थे। सऊद पटेल जिस तरीके से आउट हुए उसके बाद में नदीम खुद आउट हुए, इमरान के बल्ले से रन नहीं, बाबा के बल्ले से रन नहीं, सलाउद्दीन में जो कि जल्दी आउट हुए, लेकिन गेंदबाजी आपके पास, गेंदबाजी आपके हाथ में, आप किस तरीके की गेंदबाजी करते हुए देखने वाली बात होगी, क्योंकि 37 रन जरूर कम है इस ग्राउंड के ऊपर, एक विनिंग स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर नहीं है, लेकिन आप अगर आप विकेट निकालते हो, विकेट चटकाते हो तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो सब कुछ पॉसिबल है आपके हाथ में, गेंद आपके हाथ में। तो कल का पहला मैच खेला जाएगा सुबह 9 बजे, शिवांश 11 वड़ौली और वेदांगी 11 कालिंजे, ये दोनों के बीच पहला मैच खेला जाएगा सुबह 9 बजे। 9 बजे पहला मैच खेला जाएगा, इस बात को दोनों कप्तान नोट कर ले, सलीम दवनाक और परेश केतकर, ये पहला मुकाबला है 9 बजे का। 8:30 बजे यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम है आपका, 8:30 बजे का दूसरा मैच खेला जाएगा, जैन इलेवन कोवेत और सोमजय श्रीवर्धन। माज खतीब और शुभम, ये दूसरा मुकाबला जैन इलेवन कोवत और सोमजय श्रीवर्धन। तीसरा मुकाबला यामिन इलेवन और अयान इलेवन के बीच, और चौथा मुकाबला जो रहेगा याहिया इलेवन और
इसमें से जो जीतेगा अभी उनके दरमियान। तो चार पहले मैच है, कल के 9 बजे का जो मैच है शिवांश 11 वडवली और वेदांगी 11 कालिंजे बराबर अपने टाइम पर यहां पर हाजिर रहे ताकि कल फाइनल डे टूर्नामेंट का और फाइनल अच्छे से यहां पर सक्सेस कराना है टूर्नामेंट को। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। तो चलिए आगे का हाल अब दूसरे इनिंग के लिए लेके चलता हूं मैं आपको हरीश डिगी का सर के पास। ओवर टू हरीश सर। हेलो, धन्यवाद मारूप। तो एक खूब कमी धावा इथे पाहायला मिळतात, पण क्रिकेट आणि चितांचा खेळ आहे श्याम्स झडाम एंटरप्राइजेसचा। हा चांगला फटका आहे कव्हर रीजन मधून पॉवर प्ले स्ट्रोक इथे पाहायला मिळतो। चेंडू ट्रॅव्हल होते, एक धाव तो पूर्ण केली। दुसरी धाव कुणी ओढून इथे DRS वगैरे मिळणार नाही। पंचांना वाटलं कंक्लुजिव एविडन्स तरच तो DRS घेतला जाईल किंवा रिव्ह्यू पाहिला जाईल। पंचांच्या साडी सौद हा चांगला फटका आहे योगेश पेंडकरचा, पाहायला मिळेल। वन बाउन्स जातोय का चेंडू, टू बाउन्स थांबलाय चेंडू तिथं। पुन्हा एकदा लगातारचा दुसरा स्ट्रोक आहे जो चौकार गेला असता, पण आउटफिट खराब असल्यामुळे दोन्ही चेंडूवर दोन दोन धावा येतात योगेश पेंडकर यांना। पहिल्या 3 चेंडू 4 धावा पाहायला मिळतात। अडतीस धावांचं लक्ष आहे सौद। आणखीन एक चांगला प्रयत्न, त्याच दिशेला चेंडू खेळतो, तिसऱ्या वेळेस मात्र सक्सेस मिळते योगेश पेंडकरला। चौकार, चेंडू सीमारे शपा। जोपर्यंत चौकार येत नाही तोपर्यंत हार म्हणत नाही, आणि हार म्हणेल तर तो योगेश पेंडकर कसा असेल। दोन लगातार प्रयत्न त्याचे पाहिले, आउटफील्ड खराब असल्यामुळे दोन दोन धाव मिळाल्या। हवा काय देखना स्ट्रोक इथे कव्हर रिझन मध्ये। वन बाउंड चेंडू सी मारे शा पार, धावा मिळतील 4-4-4 चौकार। आणखीन एक चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळते, लगातार तिसरा चौकार येतो योगेश पेंडकरांच्या बॅट मधून। धन्यवाद डीजे। धावा संख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्याला पाहायला मिळते 16 धावा नदीम धायरेकर। धाव्याच्या बाहेर चेंडू वळते, वाईड बॉल। धावा संख्या होते 17 धावा। बॉल इथे पाहायला मिळाला, चांगला फटका इथे पाहायला मिळते रुपेशच्या बॅट मधून।
बॉल डॉट पहला चेंडू वाइड होता त्यानंतर निर्धाव चेंडू ज्याला वन बाउंस वॉर्निंग आली आणि तिसऱ्या चेंडूवर सिंगल अर्थात दोन चेंडू वैध आहेत. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता योगेश पिंडकर यांचा. धाव मिळत नाही. चांगला चेंडू गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. हुशार गोलंदाजी ते नदीमची. फलंदाजाला फॉलो करतोय तो. खराब स्ट्रोक योगेश पेंडकर इथं मात्र होत आहे. इथं बाद एक चांगला जेल डिप्लाय साऊथ बडेल. विशाल कांबळेला विशाल कांबळेचा बॅटिंग लाईनअपचा जो क्रमांक आहे ते मात्र इथे खूप वेळेस चेंज केलं नाही आहे. कारण योगेश पेंडकरणामध्ये पुढच्या मॅचसाठी हा खूप महत्त्वाचा खेळाडू राहील. हा जरी त्याच्या फलंदाजीमधून धावा येत नसतील तरी इथे संधी आहे त्यामुळे त्याला बॅटिंग प्रॅक्टिससाठी त्याने पाठवले आणि सांगतानाही सांगितलं एक दोन षटकार खेळून घेतो कारण तुला पुढच्या मॅचमध्ये चांगलं खेळायचं आहे. विशाल कांबळेला तीच मुक्त हस्ताने फलंदाजीसाठी मुभा दिले कॅप्टनने आपल्या. विशाल कांबळे अतिशय चांगला खेळाडू आहे. आपण पाहिलं त्याचा राहुल कांबळे या भावांनी सुद्धा कमालीची फलंदाजी केली होती शुभम मांजरेकर यांच्या टीममध्ये. विशाल कांबळे आजचा दिवस त्याचा राहिला नाही पण एक चांगला खेळाडू आहे. तो टीममध्ये असणेच खूप महत्त्वाचं राहतं. हा फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक नाही आहे तिथे. एक धाव तर पूर्ण केले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे. एकच धावर समाधान लागेल. चांगला क्षेत्ररक्षण चांगली फेक इथे पाहायला मिळते. एकेरी धाबा धावसंख्या होते 19 धाबा 38 धावांचं लक्ष आहे. रुपेश आहे आता स्ट्राईकला. धाबा एसटीच्या बाहेर वाईड बॉल. एक जोरदार अपील केला जातो एसटीरक्षकाकडून. अर्थात हा दबावात्मक अपील आहे. इथं चालला तर वाईट आपला निघून जाईल अशाच तऱ्हेचा एसटीरक्षकाचा अपील आपल्याला इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पण पाहायला मिळतो. डाऊन द लेग साईडचा चेंडू जेव्हा अंगाच्या जवळून जातो फलंदाजा तेव्हा खूप अपील केला जातो. हा चांगला फटका आहे. रुपेश चांदोरकरच्या बॅटमधून येतोय. एक दमदार षटकार. चेंडू सीमारेषा पार 6 धावांसाठी. केले रुपेशनी संघाची धाव संख्या 26 धावा 38 धावांचं लक्ष आहे. सौत पटेल आपल्या कोठ्यातील शेवटचं अंतिम षटक आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन येते. विशाल असुरे गोलंदाजी साऊथ पटेल जी तेज तर्रार बाउन्सर इथे पाहायला मिळाला. छातीला चाटून निघून गेला. विशालचा अपरकट बॅकवर्ड पॉइंट वरून कट करण्याचा प्रयत्न केला. सुरेख गोलंदाजी साऊथ पटेलची. गुड लेन स्पॉटवरून चेंडू उसळी घेते. धाव मात्र मिळत नाही. निर्धाव चेंडू. लगातार चांगली गोलंदाजी साऊथ पटेलकडून पाहायला मिळते. मॅची कडा घेतली. बॅकपोर्ट पॉइंटला जाऊन खेळला हलक्या हाताने. एकेरी धाव घेतली. विशालने पाहिलं दोन चेंडूवर मोठे प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. बॅट अँड बॉलचा संपर्क होत नाही. पाहिलं जास्त वेळ खेळण्यापेक्षा त्याने एकेरी धाव घेऊन समोर जो चांगला फलंदाजी करतोय त्याला स्ट्राईक देणे त्याने महत्त्वाचं समजलं आणि चांगला निर्णय. चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळते. विशाल कांबळेच्या बॅटमधून एक धाव येते. धावसंख्या होते 27 धावा. हलक्या हाताने खेळलाय.
एक धाव इथे सहज घेतली जाईल रुपेश कडून। चांगली फलंदाजी इथे पाहायला मिळते रुपेश चांदूरकरचा बंडूच्या बॅट मधून एकेरी धाव तिने घेतलेला स्कोर चालू ठेवताय बंडू। मध्ये पाहिलं तर एक षटकार सुद्धा त्यांनी चांगला खेळला होता। तर मराठी संस्कृती प्रतिष्ठान आयोजित सुद्धा भव्य स्पर्धा याच मैदानात आपल्याला 27-28-29 मे रोजी आपल्याला पाहायला मिळेल। याच दरम्यान एक निर्धाव चेंडू येतोय। प्रथम पारितोषिक तब्बल 77,000 रुपये आणि चषक असेल। द्वितीय पारितोषिक तब्बल 44,000 आणि चषक असेल। आणि तृतीय पारितोषिक सुद्धा आहे तब्बल 11,000 आणि चषक। चतुर्थ पारितोषिक सुद्धा 11,000 आणि चषक। प्रवेश फी असेल 6,000 रुपये। संपर्कासाठी तुम्ही सुनील दर्गे, परेश खेतकर, रुपेश चांदवेळकर आणि साजेश भाटकर, अमित कंगळे यांच्याकडे संपर्क साधायचा आहे। वा काय देखणा स्ट्रोक इथे येतोय विशाल कांबळेच्या बॅटमधून। चेंडू सीमारेषा पार येतोय। सामा बॅटची कडा घेतले रुपेश इथे बाद होईल। तर मराठी संस्कृती प्रतिष्ठान आयोजित सुद्धा एक स्पर्धा आपल्याला या मैदानात पाहायला मिळेल। भव्य क्रिकेटचे सामने दिनांक 27-28-29 रोजी आयोजित केले आहेत। तर इच्छुक संघांनी नक्कीच सहभाग घ्यावा। त्याचं प्रथम पारितोषिक 77,000 आणि चषक, द्वितीय पारितोषिक 44,000 आणि चषक, तृतीय पारितोषिक 11,000, चतुर्थ पारितोषिक 11,000 आणि चषक। प्रवेश फी 6,000 रुपये असेल। सुनील दर्गे, परेश केतकर, रुपेश चांदवीडकर, साजेश भाटकर, अमित कांगणे यांच्याकडे तुम्हाला टीमसाठी संपर्क साधायचा आहे। रणर आउटच्या या मैदानात आपल्याला ते सामने पाहायला मिळतील। 27-28-29 याच दरम्यान चालू सामन्याकडे आपण वळूयात। एकेरी धाव घेतली राहुल सावंतनी। मागचा सामना विन करून दिला होता राहुल सावंतनी चांगली फलंदाजी करून। डेड बॉलचा इशारा येतोय आमच्याकडे मुख्य पंचांचा। हा चांगला फटका आहे विशाल कांबळेच्या बॅट मधून। विजयी षटकार चेंडू सीमारेषा पार 6 धावांसाठी। आयोजक टीमच्या ग्रुपला सुद्धा आपल्याला सूचना आहे उद्या कंपल्सरी आहे आपल्याला, कारण रोज आपण 5 मॅच खेळतो त्यामुळे उशीर जमत होता। पण उद्या तुम्हाला परफेक्ट 9 इथे चेंडू पडणे गरजेचं आहे। 8:30 हा रिपोर्टिंग टाइम आहे कारण आपल्याला 8 टीम क्वार्टर फायनलचे आहेत, त्यांचे 4 सामने आणि 2 सेमीफायनल आणि 1 फायनल आपल्याला खेळायचे आहे। 7 मॅचेस आहेत, 5-5 षटकांचे मॅचेस असतील, 2 षटक पॉवर प्ले असतील आणि पहिला मॅच 6:09 उद्या। कुठलीही आर्ग्युमेंट तुमची स्वीकारली जाणार नाही। पहिला मॅच असेल शिवांश 11 वडवली, विपक्ष वेदांगी 11 काळिंजे, 9:00। 8:30 टॉससाठी रिपोर्टिंग टायमिंग 8:30 आहे। 8:45 टॉस केला जाईल आणि 9:00 पहिली बॉल पडली पाहिजे। 5 गोलंदाज तुम्हाला काढावे लागतील। 5 षटकांचा सामना असेल। 2 षटकात चेंडू जर गेला पहिल्या पॉवर प्लेचा तर 2 नवीन चेंडूच तुम्हाला घ्यावा लागेल। त्यानंतर दुसरा मॅच असेल झैल 11 कुवेत, विपक्ष सोमजाई,
तीसरा मैच असेल क्वार्टर फायनल चा यामिन इलेवन विपक्ष अय्यान इलेवन आणि चौथा मैच असेल याय्या इलेवन विपक्ष अफजल इलेवन महाड हेलो